अरे काला कद्दू, ये लॉकडाउन में खाली घर में बैठे मत रहो, कुछ काम भी करो, नहीं तो कोरिया हो जाओगे। जाओ, हम लोग का घर का जो लाइब्रेरी है उसमें जितना भी किताब पड़ा है सबको साफ करो जाके। है काला कद्दू, साफ हुआ किताब सब? अरे कैसा किताब सब मंगवाए हैं आप, साफ ही नहीं हो रहा है। अभी तक 10 रबड़ मेरा साफ हो गया लेकिन किताब साफ नहीं हो रहा है। तब से साफ करने का कोशिश करें, रबड़ खत्म हो रहा है लेकिन किताब का एक भी अक्षर साफ नहीं हो रहा है। लगता है परमानेंट इंक से प्रिंट किया गया है। अरे हम तुमको किताब साफ करने बोले थे, अक्षर साफ करने नहीं बोले थे उसका? तुम तो एकदम पागल ही है। तुम ये काम छोड़ो, उठो चलो यहाँ से, जाके बाथरूम साफ करो। तुम ये काम हम घोड़ा कद्दू से करवा लेंगे। हाँ घोड़ा कद्दू, साफ हुआ किताब सब? अरे पापा, इतना जल्दी किताब सब साफ हो जाता है क्या? हलवा है क्या? 300-400 पन्ना वाला किताब सब रखे है मोटा मोटा, अभी 200 पन्ना ही तो साफ किया है, 200 पन्ना बाकी है अभी, और उसके बाद इतना सारा किताब बाकी है, लगेगा 1-2 साल लगेगा तब जाके साफ होगा। ऐसे आधा घंटा में आ गए, किताब साफ हो गया? अपना कोई लूड तो है नहीं, टीवी देखते आके बकवास करते हैं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पसीना हम लोग का आ रहा है, गर्मी आपको चढ़ गया है, हर 10 मिनट में टोकने आ जाते हैं। अभी जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक किताब साफ होगा, ये हमको बढ़िया आइडिया मिल गया है टाइम को वेस्ट करने का। अरे हम तो समझते थे काला कद्दू पागल है, तुम तो उससे बड़ा पागल है रे। हमको आज तक गलत फैमिली था ये कि तुम हम पे गया है। अरे पापा, आपको जो गलत फैमिली था ना वो सही है, हम आप ही पे गए हैं। हाँ तो तुम क्या कहना चाहते हो, कि हम पागल है? अरे पापा, वो तो जैसी जिसकी सोच। तुमको तो बाद में देखते हैं, पहले उसको देख के आते करिया बच्चा को क्या कर रहा है वो। है काला कद्दू, न्यूज सुना तुम? न्यूज में दिखा रहा है इमलीपुर में बहुत सारा लोग बीमार हो गया है कोरोना के कारण, और वहाँ हॉस्पिटल में जगह नहीं है इलाज करने के लिए लोग का, इसीलिए बोलते हैं संभल के रहा करो, ठंडा अंडा ज्यादा मत पियो। और इमलीपुर तो बोलता था कि हम बहुत शक्तिशाली देश है, हमारे पास इतना मिसाइल है, इतना तोप है, इतना बंदूक है, लेकिन हॉस्पिटल ज्यादा नहीं बना पाया अपना देश में। अब क्या कोरोना को मिसाइल से मरेगा? अरे यही दुनिया का सच्चाई है, जिस चीज का लोगों को जरूरत है उस चीज के बारे में कभी कोई नहीं सोचता है, और फालतू का ये हथियार तोप मिसाइल सब पे पैसा खर्चा होता है इतना अरबों खरबों रुपया, जिस चीज का जरूरत नहीं है, बस अपना ताकत का प्रचार करने के लिए कि हम देखो कितना शक्तिशाली। अरे काहे का शक्तिशाली हो भाई, जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे तोप चला के? अरे पापा, आप समझे नहीं लगता है, हम कार्टून लोग मर जाएंगे, कोरोना फिर तोप चलाएगा। अच्छा छोड़ो छोड़ो ये सब बात छोड़ो, हम लोग कुछ नहीं ना कर सकते, काम का बात करो, बाथरूम साफ हुआ? अरे कैसे साफ करें बाथरूम, वो तो गंदा है ही नहीं, पहले गंदा करने दीजिए तब साफ करेंगे। तब से बैठे हैं कि बाथरूम आ जाए, जाए पहले गंदा कर दें उसके बाद साफ करें, बाथरूम ही नहीं आ रहा इसीलिए बैठे हम यहाँ पर। एक काम कीजिए, हमारे लिए चाय बनाकर लाइए तो पी लेते हैं, तो बाथरूम आएगा। अरे तुम पागल है क्या, और हम तुम्हारा नौकर है तो तुम्हारे लिए चाय लाएंगे? तो हम लोग आपका नौकर है जो बाथरूम साफ करें, परिवार में ये सब नहीं होता है, नौकर और मालिक का रिश्ता नहीं होता है परिवार में, परिवार में अपनापन का रिश्ता होता है। हम ये काम कर रहे हैं, कम से कम आप चाय तो बनाइए, हम तो गंदा काम कर रहे हैं। देख रहा है क्या काम कर रहे हो, मजाक चल रहा है यहाँ पे। किताब साफ करने बोलते हैं तो रबड़ लेके बैठ जाते हो साफ करने, बाथरूम साफ करने बोलते हैं तो बाथरूम करने बैठ जाते हो। बाप को बर्बाद समझ के रखे हो तुम लोग, मारेंगे दोनों भाई को तो चमड़ी उतार देंगे शरीर का, नहीं बोल रहे तो फटानी चल गया दोनों को। अरे अब हम आपका बाथरूम साफ नहीं करेंगे, इतना मेहनत करो उसके बाद भी आपका उल्टा पुल्टा सुनना पड़ता है हम लोग को, अब हम जा रहे हैं अपना फिल्म देखेंगे बैठ के आराम से। अरे अरे कहाँ जा रहा है, कौन सा फिल्म देखेगा तुम? अरे हमको रोकिए मत, हम जा रहे हैं फिल्म देखने, फिल्म का नाम है बाप को लू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ यही सब देखो, यही सब देख के तुम लोग बिगड़ा है, आज तो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम।